अगर ईडी छापा मारना है तो सुदेश महतो को मारिए, रघुवर दास को मारिए, उन लोग को मारिए ना। लेकिन मिली बकत अटल बिहारी वाजपेयी का था, जिन्होंने ऐसा काम किए कि शिबू सोरेन को जो कोयला मंत्री बने थे उस वक्त फंसाया गया था, वो जेल जाने का डर से खुद उसका तलवा चाट रहे हैं। बाबूलाल मरांडी तो खुद भागा उड़ा। जेएम का राज भर के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। झामुमो का आरोप है कि झारखंड की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। रांची में विरोध प्रदर्शन राजभवन के समक्ष चल रहा है। बता दें कि झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया था, जिसे लेकर यूपीए के नेताओं में काफी आक्रोश है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। सीएम हेमंत सोरेन के समन के खिलाफ यूपीए घटक दल के लोग आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएमएम, कांग्रेस और राजद केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य व्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य की सरकार को केंद्र के इशारों पर स्थिर करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ महागठबंधन के तीनों घटक दल अपने अपने पार्टी कार्यालय या फिर किसी निर्धारित जगह पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पार्टी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। सभी जिला के समन्वयालय के समक्ष प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रांची में यह कार्यक्रम रांची कलेक्टर के सामने होगा। यहाँ कई बड़े बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। ऐसा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ड्रेस है, तीर धनुष छाप है। ये मेरा सीएम है झारखंड का, हम सबका ये बाबा है। आप देख रहे हैं ईडी छापा जो मारा जा रहा है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार ने वहाँ मारा जा रहा है, और जहाँ इनकी सरकार है वहाँ नहीं मारा जा रहा है। ये इनकी बदमाशी है, इनकी हरामीपन है। अगर ईडी छापा मारना है तो सुदेश महतो को मारिए, रघुवर दास को मारिए, उन लोग को मारिए ना। सुदेश महतो आज से 25 साल पहले वो काम करते थे अरबों का मालिक, उसको मारिए। और महामहिम राज्यपाल जो लिफाफ जो सटे हुए हैं वो लिफाफ नहीं दे रहे हैं कि झारखंड की जो जनता नींद से बेदार हो गई है, वो जागे हुए हैं। और इस बार जान रही कि यहाँ मेरा सुपड़ा साफ है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि ईवीएम का चुनाव नहीं हो, थप्पा का चुनाव हो, फुल बहुमत में भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हारेगी। मेरा देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, लेकिन गूगल चेक कर लीजिए, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। शर्म लगता है प्रधानमंत्री बोलने में। उन्होंने वादा किए थे 15 लाख का झूठा, डिजिटल इंडिया झूठा, वो सब चीज़ झूठा। अभी पुल घुरा देख लीजिए, पुल में जांच हुई उसकी, आदमी निकल नाम निकला। आप बहुत ज़बरदस्त सवाल हमसे कर रहे हैं कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस का सरकार बैठी हुई थे, लेकिन मिली बकत अटल बिहारी वाजपेयी का था, जिन्होंने ऐसा काम किए कि शिबू सोरेन को जो कोयला मंत्री बने थे उस वक्त फंसाया गया था, और बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। जब इस झारखंड दिशा पे जाने लगा बाबूलाल भगौड़ा है, उसके बाद वो उन्होंने बोले कि माँ की कसम, खुदा की कसम, भगवान की कसम, हम भारतीय जनता का तलवा नहीं चाटेंगे। वो जेल जाने का डर से खुद उसका तलवा चाट रहे हैं। बाबूलाल मरांडी तो खुद भगौड़ा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।